अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। यार व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ मैं। आज जो है वो सऊदी अरब में लॉकडाउन ईस्ट का लास्ट डे है, तो आज बहुत ज़्यादा रश है मार्केट्स में। इतना हिल रही है गाड़ी यार। एक चक्कर मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ ग्रॉसरी व्रॉसरी करने का, अब दूसरा चक्कर लगाने जा रहा हूँ। और गर्मी इतनी शदीद है कि थोड़ी देर पहले तक 45 हो रहा था टेम्परेचर, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या असर होगा। मेरी गाड़ी 45 आ रहा था, अब तो 41 हो गया। हाँ तो अब मैं जा रहा हूँ चिकन लेने और दिखाता हूँ आपको रश का क्या आलम है बाहर। भाई ये जिन लोगों को लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही जो है वो रूल्स के खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं कुछ ऐसा है, तो ऐसा नहीं है यार। जहाँ पे आप इजीनेस देते हैं वहाँ पे ट्रैफिक खुद ब खुद क्रिएट होना शुरू हो जाता है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे देख लो ये कितना ट्रैफिक नज़र आ रहा है। अभी आगे और दिखाता हूँ, फिक्र नहीं करो। अच्छा जी, कल से जो टाइमिंग होनी है, बहुत सारे लोग रश की ये मेन वजह ये भी है कि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि कल से लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर शुरू हो जाएगा इतनी छुट्टियों में। ऐसा नहीं है, सुबह 6 बजे से 3 बजे तक बकाले वगैरह ये सब खुलेंगे और आप अपने इलाके में जो है वो बहुत आसानी के साथ जाके ये सारी चीज़ें ख़रीद सकते हैं, ठीक है। और जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो डिलीवरी आपको देंगे सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा एक ऐप भी है, क्या नाम है उसका? तवक्कल का, तो उसमें भी जो है वो, हाँ तवक्कल ना, तो उसमें भी जो है वो आपको हफ्ते के 4 घंटे मिलते हैं, तो आप और दिन का 1 घंटा मिलता है। आप जो है वो जा उस पर रजिस्टर्ड होके भी जो है वो, अगर आपको कोई इमरजेंसी है खुदा ना खासा, तो आप उस पर भी जाके रजिस्टर्ड होके और बाहर निकल सकते हैं 1 घंटे के लिए। तो इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये लॉकडाउन जो है वो इस वजह से, मतलब पूरा जो लॉकडाउन हुआ है वो ये है कि ऑफिसेज़ वगैरह नहीं खुलेंगे और कुछ इस तरह की एक्टिविटी नहीं होगी इकोनॉमिक, लेकिन वकाले वगैरह सब अपनी जगह खुलेंगे, फार्मेसीज खुलेंगी, गैस सिलेंडर वाला आपको गैस देगा, ये सब कुछ होगा। ऐसा कोई खानदानी रश चल रहा है ना भाई कि वह बताएं कहाँ हम आपको। ऐसी गाड़ियां आ रही हैं, ऐसी गाड़ियां आ रही हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसी जगह जहाँ का हशर ही बुरा है। यहाँ लगता है कि जैसे कोरोना आया ही नहीं है, छुट्टी पर है। जी हाँ, ये कहीं और नहीं, ये तरीक मिनारा कहलाती है जद्दा की, जहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियंस की तादाद बेतहाशा है। का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। तो अच्छा हुआ राशिद मैं तेरे साथ आ गया, कम से कम वीडियो बनाने को तो मिल गई मुझे। रश चेक करें बस आप, रश चेक करें। यास्मीन चक्की जहाँ पे हमेशा रश रहता है, तमिदात लामीन यहाँ पे भी रश है। और मैं आया हूँ चिकन लेने के लिए, ये रेड चिली नहीं आया, मैं मीट हब आया हूँ। मीट हब ने ये भी लगाया है, ऑटो सैनिटाइजर गेट। भाई बोनलेस हो गई है ख़त्म और चिकन भी हो गई है ख़त्म मीटअप वालों के पास, तो अब क्या करें। भाई चिकन नहीं मिली, अब इज्जत से यही है कि हम घर वापस जा रहे हैं क्योंकि बेताशा रश है और गर्मी बहुत ज़्यादा। यार चिकन जो है वो दुकानों पे तो मिल नहीं रही है, शार्ट हो गई है मार्केट से, तो अब बकालों पे जाके देख रहा हूँ अगर कहीं से मिल जाए तो फिर वही ले लूँगा। भाई बहुत रश था हर जगह, बहुत रश है, हालत टाइट है इस वक्त बहुत ज़्यादा, जो है वो गर्मी भी हो रही है। तो बहरहाल चीज़ें मुझे मिल गई हैं मेरी, तो अब जो है घर जाके सुकून से नमाज़ पढ़ के और मगरिब तक सो जाऊँगा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। एडवांस में आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, अल्लाह मियाँ हम सबको जो है वो अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और ईद पे मेरी वीडियो देखना मत भूल लीजिएगा, मज़ा आएगा आपको देख के। अल्लाह हाफ़िज़।